सारे बुलाओ तुसी बोले सोन निहाल, बोले सोन निहाल, बोले सोन निहाल, बोले सोन निहाल, बोले सोन निहाल। भाई मैं इकला जोर लाउंदा रहा, तुसी किसे ने नहीं लाया, इत्थे खलाउंदे रहे मैंबरी सारे। सो अदमला बेनती करांगा मानजोग सिंह साहब, ज्ञानी गुरबचन सिंह जी, जदर श्री अकाल तख्त साहब आप जी मुखातब हो रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी विच लखां दी तादाद विच सजी होई गुरु प्यार वाली गुरु स्वरूप साध संगत जी, आप जी वडभागी हो सतगुरां दी पावन गोद विच सज के इस जिंदगी दे विच आ रहे 545वें विक्रमी संमत नूं जीओ आया कहण दे लई साल दी शुरुआत गुरु हजूर अरदास करके जिंदगी विच आरंभता करन वास्ते सज बैठे हो। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार मनजीत सिंह जी के, सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, उन्हां दी समुची कमेटी, समुची टीम बहुत वड्डा उपराला करके आप संगतां नूं गुरु हजूर सजण दे लई बेनती कीती है। उत्थे बहुत ही सत्कारयोग सिंह साहिब ज्ञानी इकबाल सिंह जी, जथेदार तख्त हरिमंदर पटना साहिब, सिंह साहिब ज्ञानी त्रिलोचन सिंह जी, जथेदार तख्त श्री केसगढ़ साहिब और बाकी सिंह साहबाना नूं महापुरख संत बाबा लखा सिंह जी नानक सर और परम संत राजा जोगी संत बाबा सतनाम सिंह जी पिपली वाले और होर भी बेअंत सत्कारित हस्तियां हाजिर ने। सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी दे हजूरी कीर्तनीए भाई लखविंदर सिंह जी और श्रोमणी रागी भाई बलवीर सिंह जी, उन्होंने आप जी नूं अमृतमय बाणी का कीर्तन सरवण करवाउणा है और बहुत ही नाम दी रंगी रूह पारिउपकारी भाई गोरे इकबाल सिंह जी संगां विच पाउणी है और तुहाडी दिल्ली दीआं संगतां विच जिन्हां दा नाम बहुत ही सत्कार नाल लिया जांदा है, कार सेवा वाले महापुरश सचखंड वासी संत बाबा हरबंस सिंह जी पंथ रतन, उन्हां दी संप्रदाय दे सेवादार महापुरश संत बाबा सुरिंदर सिंह जी और होर भी संगतां हाजर ने।
सब तो पहलों दास दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नू आज दे इस नवे साल की शुरुआत करन दे लई उलीके प्रोग्राम की बहुत बहुत वधाई देंदा है। जिसने भी श्री अकाल तख्त साहिब का झंडा लैके झाड़ू बरदार बन के अकाल तख्त की आवाज संगतां तक पहुंचाउण दा जतन किया है, निरंकार ने हमेशा ही उसनू जितां बख्शिश कीतियां ने, कामयाबियां बख्शिश कीतियां ने, जो आप संगतां दे विच सुभाए मान ने। बहुत ही सत्कारयोग सरदार प्रकाश सिंह जी बादल चीफ मिनिस्टर पंजाब, सरदार सुखबीर सिंह जी बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल, जिन्होंने अकाल तख्त की आवाज संगतां तक पहुंचाउण दे लई घर घर तक पहुंच करके गुरु घर की सुचज्जी सेवा ते संभाल दे वास्ते संगतां नूं बेनती कीती। तुसां बच्चे तो लैके बजुर्ग तक सहयोग दिता, ऐ नौजवानां दी अणथक सेवा करन वाली कमेटी गुरु हजूर विच जो सज बैठी है इस नूं होंद विच लिआंदा है। समां नहीं कि मैं बहुता कुछ कहां, सरदार मनजिंग जी जी बारी गल कह के गए ने, मैं उन्हां नूं वधाई देंदा, कमेटी नूं वधाई देंदा हां कि गुरु की स्टेज तो केवल ते केवल गुरु की ही गल की जाएगी, क्योंकि गुरु की हजूरी विच असी गुरु की गल तो लांभे जाइए तो संगतां सानू सेवा तो लांभे कर दिंदियां ने, संगतां फिर सेवा तो लांभे कर दिंदियां ने। एक दुकानदार है ना, वो शाम नू अपनी दुकानदार जदों वधाउंदा दुकान ते वो लेखा जोखा करदा है कि अज मैं की खटिया है, अज मैं की वेचिया है, अज की मैनू प्राप्त होया है। ए बीत रहा साल ते आउण वाला साल ए जिंदगी दा लेखा जोखा है। पिछले बीते समय विच असी की कीता है, आउण वाले समय विच असी की करना है। जिहड़ी गलती दूसरियां ने कीती है वह गलती असां नहीं करनी, तां कि गुरु की आसीस सानू प्राप्त होवे। सिंह साहिबान जी ने और प्रधान जथेदार अवतार सिंह जी ने इस कैलेंडर के बारे आप जी नू बहुत कुछ दर्शा दिता है, और ज्ञानी भगवान सिंह जी जौहल समय समय अनुसार आप जी नू दर्शा रहे ने। मैं केवल एक बेनती करके ही समाप्ति कर देनी है। बहुत उच्ची आवाज दे विच रौला पाया गया, चीकां मारियां गईयां कि कैलेंडर बदल दिता है, ए कर दिता ओ कर दिता है। मैं स्पष्ट करना चाहुंदा हां कि जिहड़ा कैलेंडर 2003 वाला सी, जिहड़ा नवां कैलेंडर बनाया गया सी, कह लो कि पुरेवाल दे कमेटी ने बनाया सी, उस कैलेंडर दे विच गुरु नानक साहब जी का प्रकाश पुरब, बंदी छोड़ दिवस ते होला महला इन्हां नूं बिल्कुल नहीं छेड़िया गया सी। ये बिल्कुल पुरातन रखे गए सन, उन्होंने ये तीन पुरातन रखे सी, असी उहदे विच सोध करके चार होर पुरातन कीते ने। जिहड़ा भुलेखा संगतां नूं कि कैलेंडर बदलिया गया, उन्होंने तीन पुरातन रखे सी, असी उहदे विच जो कमेटी की सिफारिश महापुरश संत ज्ञानी हरनाम सिंह जी खालसा मुखी दमदमी टकसाल प्रधान संत समाज और प्रधान अवतार सिंह जी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी समुचियां कमेटियां की सिफारिश ते इन्हां दोनों की कमेटी सी, जो कमेटी ने सिफारिश की ओ सिंह साहबाना ने पंजा ने प्रवान किया।
सिंह साहब जी आप जी नूं कह रहे से दर्शक साडे कोल मौजूद ने, इस करके बेलोड़ा रौला पा के संगतां नूं गुमराह किया गया। संगतां दे विच बेलोड़ा रौला शुरू किया गया कि जी इन्हां ने कैलेंडर बदल दिता है, उन्होंने तीन बदले, तीन प्रातन रखे, सारा बदलिया ते असी को बिल्कुल नहीं छेड़िया। उहदे विच चार गुरपुरब जिहड़े असी पुरातन किए, केवल चार संगरांदा पुरातनता दे अनुसार, जिहड़ियां संगरांदा पुरातनता दे अनुसार आप पुरेवाल कह रहे हैं, पर दूसरे महीने फिर उसनू उत्थे आउणा पिया, दिल्ली कमेटी नू उत्थे आउणा पिया कि संगरांदा असी उही मनाउणियां ने, मनाइया, पर संगतां ने उन्हां नू प्रवान नहीं किया क्योंकि संगतां नाल धोखा किया जा रहा है। इको एक कमेटी का प्रबंध है, इत्थे 5 जनवरी नू मना रही है, तख्त हरिमंदर साहब 18 जनवरी नू मना रही है। किन्ना संगतां नू गुमराह किया गया है ते जिन्हां ने गुमराह संगतां नू किया सी, संगपणता की गुरु की गल गुरु घर विच करन दे वास्ते सरदार मनजीत सिंह जी इन्हां दी समुची कमेटी नू सेवा बख्शिश की। और मैं बेनती करां कि तुसी केवल ते केवल गुरु की गल करनी है, और हुणे तुसी वायदा करके भी गए हो, इस वायदे नू तुसी गुरु के अनुसार ही चलण दा जतन करना है। प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी कह के गए ने कि जो कलर टीवी तो कलर चैनल जेड़ा है उस तो एक चल रहा है सीरियल गुरबाणी, गुरबाणी किसे लड़की का नाम है, लड़की दे नाम के उत्ते सीरियल शुरू किया गया है जो लॉन्च होण जा रहा है। मैं बेनती करां यह समुची गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली कमेटी ने अज एग्जैक्टिव दे विच फैसला किया है कि उहदे ते 295 का केस दर्ज किया जाएगा अगर उसने अपना नाम वापस ना लिया। इसलिए बेनती करां सानू अपने बच्चियां दे नाम गुरबाणी ते नहीं रखने चाहिए। किसी ने अपनी बच्ची का नाम जपजी रख लिया, किसी ने सुखमनी रख लिया, कोई कल आशा दी वार रखेगा, कोई गौड़ी राग रखेगा। मैं उन्होंने सुचेत करना चाहता हाँ, अगर गुरबाणी की गलत किसी ने भी वरतों की सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, परचे दर्ज करवाए जाएंगे जो ये धारा बनती है धर्म के अनुसार ही। इसलिए मैं फिर समुची गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नू, दिल्ली दियां सिख संगतां नू अज दे इस नवें साल की जो शुरुआत हो रही है इसकी बहुत बहुत बधाई देता हाँ। भुलां चुकां की खिमा, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।